सेव द चिल्ड्रन ਅਤੇ ਆਈਕੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਟਨ ਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। सेव द चिल्ड्रन अते आईकिया फाउंडेशन ने चंडीगढ़ ते हरियाणा दे विच पंजाब दी कॉटन खेती विच काम करन वाले बच्चियां दे अधिकारां नूं होर मजबूत करन अते उन्हां दे पुनर्वास दी योजना नूं वधाउण दा एक प्रोग्राम दा ऐलान कीता। हरियाणा दे सेहत मंत्री राओ नरेंद्र सिंह ने प्रोग्राम विच कहा कि हरियाणा सरकार इन्हां बच्चियां दे हक्कां लई काम कर रही है, पर सरकार तो इलावा होर संस्थावां नूं वी इन्हां दे लई अगे आउणा चाहीदा है क्योंकि इह देश दा भविख ने। में हरियाणा के हमारे तीन जिले जो विशेष रूप से सिरसा, फतेहाबाद और हिसार जिले संबंधित पड़ते हैं जहाँ कपास की खेती होती है, तो वहाँ के लिए प्रोग्राम रखा गया था खास तौर से। तो हमने यही विश्वास दिलाया अपनी सरकार की तरफ से कि हमारी तरफ से हमारी सरकार खुद इस विषय में बहुत एक्टिव है, काम कर रही है। हमने बहुत से केसेज जैसे पकड़े भी हैं, उनके FIR भी लॉन्च कराए हैं, उन लोगों पर जुर्माना भी लगाया गया है। अदर आपका जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है सबको साथ लेकर के इस पर काम करें और ये सामाजिक बुराई है इसको समाप्त करें। बच्चे जो खुद एक भगवान का रूप है, खास तौर से जिनके हाथों में किताबें और पेन कलम कागज़ होना चाहिए, उनके हाथों में अगर बेचारे वो खेती कर में इस तरह से कपास की खेती में फार्मिंग में काम करें या अपने उनका, तो मैं समझता हूँ बुरी बात है। इसके लिए हमें ध्यान देना चाहिए और लोगों को रखना चाहिए। सन 2008 विच एक स्वतंत्र सोध के मुताबिक पंजाब विच वड्डी संख्या विच बच्चे खेती का काम करते हैं, जिन्हों का 25% कॉटन पीकिंग मजदूरी करता है। हरियाणा विच यह फीसदी दर 16 दर्ज की गई है। सेव द चिल्ड्रन संस्था के मुताबिक इन्हां बाल मजदूरों को सिक्ख्या की जरूरत है क्योंकि कॉटन की खेती विच इन्हां दा बुरी तरह नाल शोषण किया जाता है। The age group, if you really look at it, you know, there are children as I've seen children as young as 7 to 8 years old to 14, 15 years old working in the cotton field, which is really and we also have case studies of certain deaths that have happened amongst children. So not only pesticides have longer side effects, but also due to snakes and so on, there have been deaths that have been reported. Sometimes what happens is that children start at 5 o'clock in the morning. They work for 2 to 3 hours in the field. Then they go to school. They come back and again then they go to the field. You know, I don't know what they will be able to learn if that is a hard day of these children. So they don't learn much. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਨ ਦ ਕਾਟਨ ਫਾਰਮਿੰਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਐਂਡ ਰਾਜਸਥਾਨ। You know, talking of child rights, it's a very sensitive issue. And this is one section of society which is most prone to, you know, exploitation. Because at this age, they can't raise a voice. They can't express themselves. And they cannot fight for their rights. समागम के दौरान दोवां मंत्रियां अते होर लोकां ने सेव द चिल्ड्रन अते आईकिया फाउंडेशन द्वारा किए गए यतन दे लई सौ चुक बैनर दे उत्ते हस्ताक्षर किए, पर हुण इह आउण वाला समां ही दसेगा कि इह प्रोग्राम भविख दे विच किन्ना कारगर साबित हुंदा है। कैमरामैन अमनदीप सिंह दे नाल मुनीश नागर, DN नाइट न्यूज़, चंडीगढ़। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे वी ते कितों वी जुड़ो। आप मिलेंगे फेसबुक पे, असी दिखांगे यूट्यूब पे, सानू फॉलो करो ट्विटर पे। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।